नहीं ऐसा नहीं है, देखिए ये बंधे इसके बीच बसे हुए हैं, मैंने अभी मौके पे कहा, ये तो अभी यहाँ बता रहे हैं ना साहब, इनको तो हम लोग खुद ही जो है कह रहे हैं कि भाई आप सुरक्षित स्थान की ओर चलो, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो ये बताइए, अच्छा आप बताएं आप नहीं जा रहे हैं तो उचित नहीं है ना भाई, क्यों प्रशासन अलर्ट है, यहाँ पे हमारे SDM है, तहसीलदार है, फ्लड के हैं, मैं भी आया हूँ कि यस कि देखें यस कि इनको हम जो है बताएं, सबसे पहली चीज़ है सुरक्षा, ठीक है, उनके ये कैरियर से कि हम नहीं जाएंगे तो ये उनका कहना तो उचित नहीं है। मान लें कि रात बिरात कुछ हो गया, पानी बढ़ गया, आप सोए हुए हैं, कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, तो इसीलिए प्रशासन हमेशा अलर्ट रहता है कि इनको एजुकेट करके, इनको बता करके इनको हम शिफ्ट करते हैं। सर जिनके मकान कट चुके हैं इनको क्या अभी तक दिया गया है? उनको जो है यस जो जो भी जिसका मकान कटा है, जो उसका अनुबंध धनराशि वो दिया गया। कितने लोगों को अभी दिया गया है? अभी हमें तजा पता कि 9 या 10 लोगों का, जिसकी झोपड़ी गिरी उनके 9-10 का, तो RTGS के थ्रू उनके खाते में पैसे जाते हैं। ठीक है चाची, घाघरा नदी बड़ी समस्या, विकट समस्याएं हैं, तो आप लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे क्या करेंगे? अब का करिए, तो इथे भैया कटे वाला, अब लड़का बच्चा कहाँ लेके हम लोग रही जाए ना, कहूँ सरकार हमका लोग का सुनवाई कर रहे, ना कोनो अधिकारी हमारे लोग का सुनवाई कर रहे हैं, हमका सबका एक बिसुआ जमीन दे दी, जितना इमा लगा रहे हैं एक बिसुआ जमीन दे दी, एक आवास दे दी हमका सबका, तो लड़का बच्चा लेके अपन रही तो सुख से, हमका सबका कहूँ या कोई सुनवाई नहीं हुई।